আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটিকে বেছে নেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, সময়ের বিবর্তনে অবশেষে গরিব ভিখারি দেশ থেকে আজ বাংলাদেশ এশিয়ান টাইগার। কিন্তু বাংলাদেশকে এশিয়ান টাইগার বলতে অনেকটা নারাজি ছিল কিন্তু ভারতীয় মিডিয়া, ভারতের সরকার। তাই তো বাংলাদেশকে ছোট করার একটা সুযোগও হাতছাড়া করতে চায়নি এই ভারত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে অবশেষে ভারত এটা মানতে বাধ্যই হলো যে বাংলাদেশই হচ্ছে এশিয়ান টাইগার। তো তারা আর বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে কী কী বলছে সেটাই আমরা দেখব আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনার সাথে আছি আমি আমরা ইয়াদুল হক গালিব, আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। बांग्लादेश जब एक नया देश बना उस समय वहां एक भयानक इकोनॉमिक क्रैश देखने को मिला जिसके बाद उसका जीडीपी ग्रोथ रेट -14% तक नीचे गिर गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी और ना ही उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे। और ये तो आप भी जानते ही हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स के साथ बांग्लादेश का कितना गहरा रिश्ता बना रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश हार मानने वालों में से नहीं था। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने अपने जन्म के 50 साल पूरे किए हैं, लेकिन इन 50 सालों में और उसको सहन करने के बाद कितनी ताकत के साथ वो दोबारा उठा है वो शायद ही दुनिया का कोई और देश कर पाया हो। चाहे फिर वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो, नेचुरल डिजास्टर हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, माइग्रेंट क्राइसिस हो, या अब ये कोरोना वायरस पैंडमिक ही क्यों ना हो, बांग्लादेश पर जब भी मुसीबत आई है उसने हर बार उसका डटकर सामना किया है और वो हर बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर उभरा है। उदाहरण के तौर पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमिक सुपर पावर्स अपने यहाँ रेफ्यूजीज को रखने से डरती हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश दुनिया के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप यानी कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप को अकेले चलाता है। खैर, बांग्लादेश की इकोनॉमी की भी कुछ ऐसी ही रिमार्केबल कहानी रही है। आज बांग्लादेश दुनिया की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसकी सक्सेस स्टोरी को कई एनालिस्ट एक चमत्कार बताते हैं। कुल एक दशक के समय में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 7% के फिनोमिनल रेट से बढ़ी है। 2009 में 100 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी 2019 तक आते आते 303 बिलियन डॉलर्स तक राइज की है। इसी दौरान देश में पॉवर्टी रेट 56% से 22% तक रिड्यूस हुआ है। और तो और, विमेन एम्पावरमेंट और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जैसे पैरामीटर्स पर बांग्लादेश यूएस जैसी एडवांस कंट्री से भी आगे है। यानी कि देश में पॉवर्टी को हराने के साथ साथ आज बांग्लादेश ने खुद के लिए प्रॉस्पेरिटी का रास्ता चुना है। आजकल फ्रीलांसिंग जैसे मिलेनियल प्रोफेशंस कई देशों में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं और बांग्लादेश उसका एक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के टैक्स से भी छुटकारा पा लिया है। अब वो डेवलपिंग कंट्रीज के गुट में शामिल है। कई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रोजेक्शंस के चलते ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली पहली इकोनॉमी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के अचीवमेंट्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो বন্ধুরা, যদিও বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটা উন্নতি করছে বা করেছে, আমাদের কিন্তু এখনই এখানে থেমে গেলে হবে না। আমাদের কিন্তু এখনো অনেকটা পথ এগিয়ে চলা বাকি। তাই সকল প্রশংসাকে সাইডে রেখে, সকল প্রশংসাকে ইগনোর করে আমাদেরকে এগিয়ে চলতে হবে। আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত ছিল। নেক্সট আপনার জন্য আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হবো। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর যত সময় বাসা থাকার চেষ্টা করবেন। আসসালামু আলাইকুম।